हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल जैसे आपको पता है कि हम सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स में डिस्कशन कर रहे हैं स्टेशनरी वेव्स का और स्टेशनरी वेव्स के लिए हमने सबसे पहले जो शुरू किया था दैट सपोज दिस इज अ स्टेशनरी वेव और इस स्टेशनरी वेव ने हमने वेव में हमने कहा था दिस इज नोड दिस और दिस इज एंटीनोड 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 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट इज एंटीनोड मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट इज नोड अगर हमने डिस्टेंसेज कैलकुलेट किए थे तो नोड नोड का डिस्टेंस था लेमडा बाय टू एंटीनोड एंटीनोड का भी डिस्टेंस था लेमडा बाय टू और नोड एंटीनोड का डिस्टेंस हमारे पास कितना था लेमडा बाय फोर सो अगर हमें इतना पता है आज हमें इतना लगने वाला है तो हम इजीली ट्रांसवर्स वेव के बाद में जो स्ट्रिंग की वेव हमने बनाई थी उसके बाद में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वाइब्रेशन इन पाइप ओपन एट वन एंड पाइप ओपन एट वन एंड उसे ही कहा क्या जा सकता है पाइप क्लोज एट वन एंड अब क्या होगा वाइब्रेटिंग एयर कॉलम इन पाइप ओपन एट वन एंड इन दोनों टाइप में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम क्या निकालेंगे सपोज ये हमारी डायग्राम होगी

मैं क्या करूंगा मैं अब लेंथ ऑफ पाइप हमें बदलनी नहीं है यह आपको ध्यान में रखना है लेंथ ऑफ पाइप तो चेंज नहीं होगी मैं सबसे पहले क्या करूंगा ट्यूनिंग फोर्क लूंगा और ट्यूनिंग फोर्क को इस पाइप के ऊपर वाइब्रेट करूंगा जिससे अंदर की एयर क्या होने लगेगी वाइब्रेट होने लगेगी समझ में आ रहा है और अगर अंदर की एयर वाइब्रेट होगी तो यहां से रिफ्लेक्ट होगी और वहां पे क्या बनेगा स्टेशनरी वेव बनेगा और स्टेशनरी वेव बनने के लिए जो एक बेसिक फैक्टर है कि जहां पे हमारे पास फर्म एंड है यानी क्लोज एंड है वहां पे क्या बनेगा हमारे लिए नोड बनेगा और जहां पे ओपन एंड है वहां पे कौन सा क्या बनेगा एंटी नोड बनेगा क्योंकि यहां पर ओपन है तो यहां पे क्या बनेगा एंटी नोड बनेगा हम कौन सा मोड डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट मोड फर्स्ट मोड यानी कौन सी फ्रीक्वेंसी हो सकती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो इससे नीचे फ्रीक्वेंसी हमें बननी नहीं है तो हमें मिनिमम वाइब्रेशन यहां पर निकालने हैं सो वी कैन ड्रॉ मिनिमम वाइब्रेशन एज दिस कि यहां पे क्या बन गया एंटी नोड और नीचे क्या बन गया नोड तो हाफ लूप तैयार हुआ इससे नीचे लूप तैयार हो सकता है क्या नहीं दिस इज द मिनिमम वाइब्रेशन और दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज फर्स्ट मोड सेकंड मोड में क्या होगा सेकंड मोड में हमारा पाइप उतना ही रहेगा पाइप में कोई चेंज नहीं है वही पाइप है एक ही पाइप है पाइप की लेंथ कंसीडर कर लीजिए एल है एल इज लेंथ ऑफ पाइप बस हम चेंज क्या कर रहे हैं वाइब्रेटिंग लेंथ चेंज कर रहे हैं तो वाइब्रेटिंग चेंज में फिर से मैं वही दोहराऊंगा कि एंड जो फर्म है जो एंड क्लोज है उस एंड पे क्या क्रिएट हुआ नोड क्रिएट हुआ फिर एक लूप कंप्लीट हुआ समझ लीजिए यहां पे एक लूप क्या हुआ कंप्लीट हुआ इसके बाद में का यह मोड है और ओपन एंड पे फिर से हमारे लिए क्या तैयार हुआ एक एंटी नोड तैयार हुआ है सो धी इज द कैन सेकंड मोड वी कैन से दिस मोड एज सेकेंड मोड और अगर हम फिर से थर्ड मोड की तरफ भी जाएंगे तो थर्ड मोड में वी कैन ईजीली ड्रॉ द स्ट्रक्चर एज समझ लीजिए पाइप हमने कंप्लीट कर लिया अब इसके आगे का मोड है तो हम क्या करेंगे फिर से फर्म एंड पे क्या क्रिएट हुआ नोड क्रिएट हुआ इसके आगे एक लूप कंप्लीट सेकंड लूप कंप्लीट एंड थर्ड लूप इज हाफ नोड और ये क्या हो गया एंटी नोड समझ में आ रहा है आपको यानी हम क्या कर सकते हैं यहां से नोड टू नोड नोड यहां पे बीच में क्या है नोड और एंटी नोड नोड ये भी नोड है ये भी नोड है नोड 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 एंटी नोड सो दिस इज सेकंड वाइब्रेशन मोड दिस इज थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन सो दिस इज द पाइप विच इज वाइब्रेटिंग विथ पाइप विच इज क्लोज एट वन एंड एयर कॉलम्स उसमें क्या हो रहा है वाइब्रेट हो रहा है तो हमें क्या करना है हमें हर एक मोड की फर्स्ट मोड सेकंड मोड थर्ड मोड ऐसे तीनों मोड्स के कैलकुलेशन करने हैं कि इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है इसका हमें क्या है? N निकालना है एन निकालना है एन वन कहेंगे इसे इसे कहेंगे हम एन टू इसे कहेंगे हम एन थ्री इसे हमने कह दिया एन थ्री और ऐसा हम जब कैलकुलेश्स करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि कौन सा हार्मोनिक यहां पे प्रेजेंट है कौन सा हार्मोनिक प्रेजेंट नहीं है जैसे हमने वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में निकाला था सो तो आपको आइडिया आ चुका होगा कि हमने क्या करना है एक बहुत कंपल्सरीली स्ट्रक्चर में आपको बता रहा हूं कि पाइप की लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए बिकॉज इट इज द सेम पाइप सिर्फ उसकी क्या चेंज हो रही है वाइब्रेटिंग लेंथ यहां पे चेंज हो रही है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन होता है आपको आ, ऐसे ही बता दू हमारे ट्वेल्थ में हमने ये क्वेश्चन एग्जाम में लिखा था सो अस डिस्कस अबाउट वाइब्रेशन इन पाइप ओपन एट वन एंड ये हमारी हो गई डायग्राम हम इन डायग्राम्स को भी निकालेंगे और इसके बाद में फर्स्ट मोड के टाइम इस डायग्राम को भी फिर से निकालेंगे हमें फर्स्ट मोड सेकंड मोड थर्ड मोड इन सबको क्या करना है डिस्कस करना है सो so, ये डायग्राम और इसके बाद में हम फर्स्ट मोड को डिस्कस करेंगे सो लेट अस डिस्कस अबाउट फर्स्ट मोड वाइब्रेशन ये हमारा पाइप पाइप था विच इज ओपन एट वन एंड जिसके यहां पे क्या तैयार हुआ नोड तैयार हुआ यहां पे क्या तैयार हुआ हमारे लिए एंटी नोड तैयार हुआ सो दिस इज द एयर कॉलम विच इज वाइब्रेटिंग अब हम क्या कर सकते हैं हम फिर से कंपेयर क्या करेंगे वाइब्रेटिंग लेंथ इज इक्वल्स टू वाइब्रेटिंग लेंथ यानी कौन सी एयर की वाइब्रेशन की लेंथ इज इक्वल्स टू हम क्या कह सकते हैं लेंथ ऑफ पाइप सो वाइब्रेटिंग लेंथ इज इक्वल्स टू हम क्या कहेंगे लेंथ ऑफ पाइप सो वाइब्रेटिंग लेंथ क्या कौन सी है बिटवीन नोड टू एंटी नोड एंड लेंथ ऑफ पाइप इज एल नोड टू एंटी नोड अब नोड टू एंटी नोड डिस्टेंस हमने पहले ही देखा है क्या है लेमडा बाय फोर इज इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं हम एल लेमडा बाय फोर यह कौन सी लेंथ हो गई वाइब्रेशन की लेंथ L कंसीडर्ड, L कैन बी कंसीडर्ड टू बी लेंथ ऑफ पाइप सो वी कैन राइट लैमडा इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे लिए 4L, फर्स्ट स्ट्रक्चर में लैमडा इज इक्वल्स टू कितना बन गया 4L, एल हम यहां पर क्या लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू n लैमडा हम फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी पे है इसलिए हम क्या लिखेंगे एन वन हमें वैल्यू कौन सी निकालनी है n1 की सो वी कैन राइट एन वन इज इक्वल्स टू वी अपॉन लैमडा एंड वी बाय फोर एल वी इज इक्वल्स और लैमडा इज इक्वल्स टू फोर एल अगर सब्स्यूट करेंगे सो एन वन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन वन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वी बाय फोर एल दिस विल बी दैल्यू फॉर कौन सी वैल्यू रहेगी दिस विल बी अवर फंडामेंटल दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के साथ हम क्या कह सकते हैं कौन सा हार्मोनिक है दिस इज अवर फर्स्ट हार्मोनिक कौन सा हार्मोनिक बन गया ये फर्स्ट हार्मोनिक देखिये हमने क्या किया आपको समझ में आ गया होगा हमने वाइब्रेटिंग लेंथ कंसिडर की वाइब्रेटिंग लेंथ को किससे कंपेयर किया लेंथ ऑफ पाइप से यानी नोड्स एंटी नोड्स काउंट किए नोट्स एंड टू नोट काउंट किए और उसके एल से कंपेयर किया बिकॉज दिस लेंथ इज नॉट चेंजिंग सेम यही मेथड हमें सेकंड मोड थर्ड मोड में यूज करनी है और देखना है कि क्या क्या आ रहा है सो वी बाय फोर एल हमारा कौन सा कौन सा हार्मोनिक हो गया फर्स्ट हार्मोनिक और कौन सी फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं दिस इज अवर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया है तो हम क्या करेंगे अब सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशंस को डिस्कस करेंगे सो so, हम यहां पे कह सकते हैं लेटेस्ट डिस्कस अबाउट सेकंड मोड वाइब्रेशन इसमें क्या हुआ फर्स्ट मोड से ज्यादा वाइब्रेशन हुए यानी हाफ मोड फर्स्ट मोड का ऊपर आ गया इसके नीचे एक लूप कंप्लीट बन गया फर्स्ट मोड की वैल्यू मैं यहां पे लिख लेता हूं दैट वैल्यू इज एन वन इज इक्वल्स टू वी बाय फोर एल ये हमें ध्यान में रखना है दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अब इसको पकड़ के हम आगे चलेंगे यहां पे हम क्या लिख सकते हैं लेटेस्ट कैलकुलेट अबाउट लेटेस्ट कैलकुलेट अबाउट वाइब्रेटिंग लेंथ इब्रेटिंग लेंथ इज इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं हम लेफ पाइप वाइब्रेटिंग लेंथ इज इक्वल टू लेटिंग लेंथ कैलकुलेट कैसे करेंगे हम हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे नोड नोड एंटी नोड अब आप कहेंगे सर यहां पे भी एंटी नोड बना था बट यहां का एंटी नोड डिस्कस कंसीडर करने से पहले हमने क्या कंसीडर कर लिया नोड टू नोड कंसीडर कर लिया सो वी कैन कंसीडर नोड नोड एंटी नोड आ गया इजिकल्स टू लेंथ ऑफ पाइप कितना है हमारे पास एल अब नोड टू नोड का डिस्टेंस कितना होता है लैमडा बाय टू नोड टू नोड का डिस्टेंस कितना है लैमडा बाय टू प्लस नोड टू एंटी नोड का डिस्टेंस कितना है लैमडा बाय फोर हम इसे एडिशन की साइन भी लिख सकते हैं नोड प्लस नोड प्लस एंटी नोड सो नोड टू नोड डिस्टेंस कितना है लेमड़ा बाय टू नोड टू एंटी डिस्टेंस कितना है लैमडा बाय फोर इज इक्वल टू एल एज इट इज है बाय बाय प्लस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर कर लिया तो फोर लैमडा प्लस टू लैमडा अपॉन सिक्स फोर लैमडा प्लस टू लैमडा अपॉन सिक्स इज इक्वल्स टू क्या बन गया एल एंड वी कैन राइट इर फोर लैमडा प्लस टू लैमडा कितना होता है सिक्स सॉरी डिवाइडेड बाय क्या हो गया हमारा डिवाइडेड बाय फोर लैमडा प्लस फोर लैमडा प्लस टू लैमडा डिवाइडेड by क्या हो गया एट एंड प्लस टू लैमडा कितना है यानी हम लिख सकते हैं इसको अगर मिनिमाइज करेंगे तो थ्री लैमडा बाय फोर दे और फोर थ्री लैमडा बाय फोर इज टू कितना होता है एल आ गया सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की स्टेप्स को मैं यहां पे निकाल दूंगा और हम यहीं पे लिख लेंगे दैट वी कैन इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई स्ट्रक्चर एज थ्री लैमडा बाय फोर इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे लिए एल हो गया हमें कौन सी वैल्यू निकालनी होती है लैमडा की वैल्यू निकालनी होती है सो so, हम लैमडा की वैल्यू निकालेंगे लैमडा इज इक्वल्स टू क्या बन गया फोर एल बाय थ्री द लैमडा कौन से मोड वाइब्रेशन के लिए सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए

अगर वो न्यूमोरेटर को गया तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा एन टू इज इक्वल्स टू थ्राइस वी बाय फोर एल थ्राइस वी बाय फोर एल ऊपर गया सो बट वी बाय फोर एल के बजाय हम क्या डाल सकते हैं एन वन क्योंकि हमारी एन वन कौन सी फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सो हम क्या लिख सकते हैं एन टू इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे लिए थ्राइस ऑफ एन वन एन टू क्या आ गया थ्राइस ऑफ एन वन अब देखिए फर्स्ट मोड में एन वन था सेकंड मोड में एन टू था लेकिन ये कौन सा हार्मोनिक है दिस इज द थर्ड हार्मोनिक ये क्यों थर्ड हार्मोनिक है बिकॉज थ्री इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी देयरफोर इट इज थर्ड हार्मोनिक एंड ओवरलैपिंग कौन से टाइम हो रही है फर्स्ट टाइम दिस फर्स्ट हार्मोनिक दिस इज सेकंड थर्ड हार्मोनिक एंड ओवरलैपिंग इज ऑफ फर्स्ट टाइम देअ दिस फर्स्ट ओवरटोन यानी आपको समझ में आ गया होगा सेकंड हार्मोनिक यहां पर एबसेंट है सेकंड हार्मोनिक प्ले ही नहीं हुआ सेकंड हार्मोनिक क्रिएट ही नहीं हुआ सेकंड मोड में कौन सा हार्मोनिक क्रिएट हुआ थर्ड हार्मोनिक क्रिएट हुआ समझ में आ रहा है बिकॉज कितना आ गया थ्राइस ऑफ ऐसा कहां पे नहीं हो रहा था इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग हमारे ऐसा नहीं हो रहा था वहां पे टू एन आया था वहां पे टू एन आया थ्री एन आया फिर फोर एन आया फिर फाइव एन आया वो कंटिन्यूसली आ रहे थे यहां पे क्या है? Thrice N1 आया थ्राइस एन वन आया सो ये हमारा कौन सा हार्मोनिक हो गया थर्ड हार्मोनिक एंड विच इज ओवरटोन दिस इज आवर फर्स्ट ओवरटोन अब हम जाएंगे थर्ड मोड की तरफ देखेंगे थर्ड मोड में क्या हो रहा है सो so, अब हम आए हैं थर्ड मोड वाइब्रेशन पे हम फिर से यहां पे क्या लिख लेंगे एन वन इज इक्वल्स टू वी अपॉन फोर एल क्योंकि ये हमारी कौन सी फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या हो रहा है फर्स्ट वाइब्रेशन का हाफ लूप है सेकेंड वाइब्रेशन का वन लूप है और अब थर्ड वाइब्रेशन का एक लूप और तैयार हो गया सो दीज आर टू लूप्स एंड वन हाफ लूप क्योंकि जो एंड ओपन है वहां पे हमेशा क्या तैयार होगा ही तैयार होगा बिकॉज एयर बंद नहीं हो सकती है एयर ओपन ही रहेगी यहां पे एंड कैसा है क्लोज है सो एयर कैन गेट क्लोज सो हम फिर से वही करेंगे जो हम कर रहे हैं लेटेस्ट कंसिडर वाइब्रेटिंग लेंथ लेट कंसीडर अ वाइब्रेटिंग लेंथ इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा लेंथ ऑफ पाइप अब हमारी मेथड वही है फिक्स है वाइब्रेटिंग लेंथ क्या है नोड प्लस नोड प्लस नोड प्लस क्या आ गया एंटी नोड तीन नोड है एक एंटी नोड है सो लेंथ ऑफ पाइप कितना है एल नोड टू नोड लैम्डा बाय टू नोड टू नोड लैम्डा बाय नोड टू एंटी नोड लैम्डा बाय इज इक्वल्स टू कितना आ गया एल लेमडा बाय टू प्लस लैमडा बाय टू लैमडा प्लस लेमडा बाय फोर इज इक्वल्स टू एल वी गेट फाइव लैमडा बाय फोर इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे लिए एल और अगर ये फाइव लैमडा बाय फोर अगर आ गया सो वी गेट लैमडा इज इक्वल्स टू वी कैन राइट हियर लैमडा इज इक्वल्स टू फोर एल अपॉन फाइव की वैल्यू हमारे लिए क्या आ गई थर्ड मोड के लिए फोर एल अपॉन फाइव वी कैन सब्सटीट्यूट दिस स्ट्रक्चर लेमडा इज इक्वल एन अपॉन फाइव इन लेटस कंसिडर वी इज इक्वल्स टू एन थ्री मल्टीप्लाइड बाई लेट कंसिडर वी इज इक्वल टू एन थ्री मल्टीप्लाइड बाई ले क्यूं अब कौन सा मोड है हमारा थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है सो लेटस से वी इज इक्वल्स टू एन थ्री लैमडा की वैल्यू कितनी है फोर एल बाय फाइव एंड एन थ्री इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं वी अपॉन फोर एल बाय फाइव एंड एन थ्री इज इक्वल टू फाइव व्ही अपॉन फोर एल बट व्ही बाय फोर एल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन वन सो एन थ्री इज इक्वल्स टू फाइव ऑफ एन वन एन थ्री इज टू क्या है फाइव फाइव टाइम्स ऑफ एन वन यानी फिर से कौन सा हार्मोनिक मिसिंग है फोर्थ हार्मोनिक मिसिंग है वन फर्स्ट हार्मोनिक के बाद में थर्ड हार्मोनिक आया थर्ड के बाद में कौन सा हार्मोनिक आया फिफ्थ हार्मोनिक आया थर्ड मोड में कौन सा हार्मोनिक कह सकते हैं हम दिस इज अवर फिफ्थ हार्मोनिक एंड ओवरलैपिंग कौन सी है सेकंड एंड सेकंड ओवरटोन फिफ्थ हार्मोनिक और हम इसे कहेंगे सेकंड हमारा क्या आ गया ओवर टोन आ गया सो so, एक कंक्लूजन तो हमारे पास आ, आ ही गया है अब इसके बाद में कौन सा मोड रहेगा फोर्थ मोड और वैल्यू यहां पे कितना आएगा सेवन एन वन इसके बाद में मोड रहेगा फिफ्थ मोड यहां पे वैल्यू आएगी नाइन एन वन यानी एक कंक्लूजन हमने कंफर्म कर लिया है कि ऑड हार्मोनिक्स ही पाइप ओपन एट वन एंड में प्रेजेंट है इवन हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं है समझ में आ रहे हैं इवन हार्मोनिक्स आर अबसेट एंड ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन पाइप ओपन एट वन एंड ये हमारा मेजर कंक्लूजन है जो एग्जाम में हमें पूछा जाता है एग्जाम में हमें पूछते हैं शो दैट शो दैट पाइप ओपन एंड ओपन एट वन एंड कंटेंट्स ओनली ऑड हार्मोनिक्स तो हमें यहां तक लाके प्रूव करना है सो राइट लेटस्ट राइट द कंक्लूजनस So, हम कंक्लूजन्स में कह सकते हैं कि हमने तीनों फॉर्मूले एक जगह पे लिखे हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज एन वन इज इक्वल्स टू वी बाय फोर एल वी आर गेटिंग एन टू एज थ्राइस एन वन यानी दिस हार्मोनिक इज अवर थर्ड हार्मोनिक। दिस इज फर्स्ट दिस इज थर्ड एंड दिस हार्मोनिक इज फिफ्थ हार्मोनिक कौन सा हार्मोनिक है फिफ्थ हार्मोनिक सो हम ये कंक्लूजिवली कह रहे हैं हंड्रेड परसेंट होके कह रहे हैं दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन पाइप विच इज ओपन एट वन एंड और इन अनदर लैंग्वेज वी कैन ऑल्सो से दैट ओनली इवन हार्मोनिक्स आर अपसेंट जैसे ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है वैसे हम क्या कह सकते हैं दैट इवन हार्मोनिक्स आर अपसेंट इन अ पाइप विच इज ओपन एट वन एंड सो ज अगेन अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन स्टेशनरी वेव्स मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं पूरे सिलेबस में कि जो अगर हमें आ गए तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है वैसा ये पूरा चैप्टर है ये चैप्टर अगर आपका अच्छे से हो जाएगा तो दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन फिजिक्स विल इंक्रीज एंड इट विल गो इन द हाइएस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड्स इसलिए आपको ये बहुत केयरफुली चैप्टर को डिस्कस करना है केयरफुली चैप्टर को पढ़ना है ये दो से चार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं इन्हें बहुत धीरे धीरे एंड लंबा खींच रहा हूं सो so, इस पूरे क्वेश्चन को भी आपको लिखना है एंड पूरा क्वेश्चन लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए एज ए होमवर्क चैनल को जो नहीं पढ़ रहे हैं उन तक पहुंचाइए खुद पढ़िए दूसरों को पढ़ाइए थैंक यू